तो आज तक की सिंपलेस्ट लर्निंग इज वी सी वी डू एंड वी गेट। जब आप तीन हैबिट्स को बना अपना लेते हैं तो फिर आपका मेच्योरिटी लेवल वहां जाता है जहां पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आप छे की छह हैबिट्स कर रहे हो लेकिन आप अपनी आरी तेज नहीं कर रहे इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे कामयाबी और नाकामी में, में सिर्फ एक ही फर्क होता है और वो फर्क होता है एटीट्यूड का हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो हमने चेंज की बात की और हमने ये देखा कि चेंज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एटीट्यूड है और मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई थी एटीट्यूड की किसी को याद आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि मैं देखता ही हूँ कि आप सारे डायरीज़ में कुछ ना कुछ लिखते हैं अगर आपने लिखा हुआ है तो आप भूल नहीं सकते एटीट्यूड की सिंपल डेफिनेशन ये थी द कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए स्टेमोलाय इसमें जो चीज समझने वाली है वो कंसिस्टेंसी है अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप कंसिस्टेंटली नेगेटिव ही करेंगे जो हमारे साथ आजकल होता है अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको कितने भी अंधेरे में ले जाए आपको रोशनी नजर आ जाए राइट सो दिस इज वट यू हैव टू रियलाइज इसको हम कैसे कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं इज वेरी सिंपल यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है पूर 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 पूर। हर चीज़ पे कुछ ना कुछ वो अपनी पॉजिटिविटी और उम्मीद निकालता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये आप करना शुरू कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख लेंगे आपका करियर है आगे से कुछ होता है खुदा ना खास्ता यू हैव यू फॉल फॉल एट योर बैक सो दैट यू कैन गेट अप ईजिली जब पीछे बैठते हैं ना आसानी से उठ जाते हैं राइट तो जब आप मुंह के फर गिरते हैं तो फिर उसका फ़ायदा भी तो चोट भी ज़्यादा आती है राइट तो आप टोमेस्टिक हमेशा से ये होता है कि आपके पास उठने की दोबारा जो है वो एक सकत होनी चाहिए बे इनतहा लोग ऐसे हैं दुनिया में जिसमें ज़िंदगी ने उनको उठा उठा के मारा उठा उठा के गिराया वो फिर भी उठ गए उन्होंने कहा नहीं मगर मैं हारूँगा तो अपनी शर्तों ठीक है जिंदगी के ऊपर नहीं हारूंगा सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट यू डू डू बी क्या होता है पुरजोश और याद रखिएगा हमेशा एनर्जी से आता है मैं तो हैरान हूं यार 22 साल 23 साल तुम लोगों की उम्र है ये तो उम्र है एनर्जी की इफ यू यू आर नॉट एनर्जेटिक देन आप पुरजोश हो ही नहीं सकते और एनर्जी क्यों नहीं है वो भी हमें पता बहुत सिंपल सी वजह है वो हमारी हरकतें हैं ना हम फिज़िकल कोई एफर्ट्स करते हैं ना हम रात को पूरा सोते हैं ठीक है जी ना हम अपने माइंड को शार्प करते हैं इसलिए तो ऐसे ही हैं नॉट सही कि आप सारे ऐसे बट यूज पॉजिटिव वर्ड्स आई ऑलरेडी अर्लियर एज वेल ये जो मुस्बत अल्फाज होते हैं ना, फैबुलस स्टनिंग मार्लस आउटस्टैंडिंग डेरिंग ब्यूटिफुल ये लफ्ज़ जब आप बोलते हैं ना तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आती है और याद रखिएगा जो लोग मिसबत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उनको तीन तरह के फ़ायदे होते हैं पहला फ़ायदा क्या होता है उसको फिज़िकल इनकी ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है आप अपने इसकी देखिएगा वो लोग जो बहुत पॉजिटिव थे उनको कोविड नहीं हुआ उनको फ्लू नहीं होता वाई बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है ये उन लोगों को होती हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है तो पहला फ़ायदा तो आपको ये हो गया दूसरा फायदा आपको जो है वो साइकोलॉजिकल फायदा है ना इनको स्ट्रेस होता है ना इनको एंजाइटी होती है ना इनको डिप्रेशन होता है ठीक है इसलिए कि वो रहते ही जब मस्बत अल्फाज बोलते हैं तो एक पॉजिटिव मूड में रहते हैं ठीक है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं पॉजिटिव माइंड सेट में रहते हैं तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो है वो सोशल बेनिफिट है सोशल बेनिफिट क्या है कि लोग ऐसे लोगों के पास आके बात करना चाहते हैं इसलिए कि उनकी बातें उनको अच्छी लगती हैं तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन से और बड़ा आसान है अभी किसी ने यहाँ पे कहा कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ और लिखता हूँ आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव वर्ड्स को सीखें बड़ा आसान है आज हफ्ता है आज कल किसी भी वक्त कोई अच्छा लफ्ज़ निकालें और उस पॉजिटिव वर्ड्स के जुमले बनाएं दस और फिर कोशिश करें कि अगले एक हफ़्ते के अंदर आप उन जुमलों का इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा वो आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएगा तो एक साल में बावन अल्फाज होंगे 52 टू वर्ड्स आप चाहे दो कर लें मुझे तो कोई एतराज नहीं आप चार कर लें अगर आप चाहते हैं कि महीने में मुझे चार मिल जाए इट प्लीज डो इट एंड यू विल सी दैट अल्टीमेटली दिस इज हाउ यू आर यू नो गेटिंग इंप्रूव एज फॉर एज योर इज कंसर्न कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं एक तो ग्रेटिट्यूड है शुक्र अदा करना अल्लाह का शाह जी तो हमें यही सिखाते हैं कि हर वक्त जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करें और कॉम्प्लीमेंट होता है दूसरों की तारीफ करना क्या बात है या? nice you know? यार लेती है तू तो ये जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो प्राइमेली आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं ओवरकम द रिसेंटमेंट ये जो इंटॉलरेंस है हमारे अंदर को पास से कोई गाड़ी का हॉर्न बजा के निकल जाए सही जब तक मैं उसके बराबर नहीं जाऊंगा दो दफा हारन नहीं बजाऊंगा उसको ऐसे करके मैं नहीं देखूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा और मैं चूंकि स्टेवन कवि ही की बात आपसे कर रहा हूं टेन नाइन्टी या नाइंटी टेन प्रिंसिपल है वो कहता है टेन परसेंट वट इज हैपनिंग अराउंड अस इज नॉट इन माई कंट्रोल नाइन्टी परसेंट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट इज इन माई कंट्रोल आज आई एम द कूलेस्ट पर्सन स्मार्ट नहीं कूलेस्ट पर्सन दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कि मैंने जिस दिन से वो वीडियो देखी है मैंने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया आप यकीन कीजिएगा कोई कुछ कर ले मैं उसको टॉलरेट कर लेता हूं मतलब तो कोई बात नहीं लेट्स डू हाउ मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं टेन परसेंट वट इज हैपनिंग अराउंड यू इज नॉट इन योर कंट्रोल नाइन्टी परसेंट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट इज इन योर कंट्रोल सो यू शुड रन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट एज वेल एम्बरेस फेलियर ये जो फेलियर्स होते हैं ना मैं इनको पहले फेलियर्स कहते ही नहीं मैं फेलियर को लर्निंग्स कहता हूं मैं ये नहीं कहता आई हैड ए फेलियर मैं कहता हूं आई हैड ए लर्निंग फेलियर होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे आप सीखते हैं अगर आप नहीं सीखते हैं देन आई एम सॉरी याद रखिए वो जब कहते हैं ना मेरे पास तीस साल का तजर्बा है वो तीस साल का तजर्बा फेलियर्स का है चूंकि आपने हर फेलियर से सीखा है तो आए तो उसको गले लगाए ब्रेस गले लगाना इसलिए कि आज मैंने एक नया सबक सीख लिया आई हैड ए न्यू लर्निंग फोकस करनी है लर्निंग के ऊपर हमें एसोसिएट विद द पॉजिटिव पीपल आपको याद है लास्ट टाइम जब हमने ये बात की थी मैंने आपसे कहा था अपने इर्द गिर्द मुस्बत लोगों को रखें जो नेगेटिव लोग हैं पाकिस्तान मुक गया बर्बाद हो गया डिफॉल्ट हो रहा है चावल नहीं मिल रहे हैं आटा नहीं मिलना है घर में अपने इकट्ठा कर लो वना इमेजिन करें कैसे बेवकूफ लोग हैं जिस वक्त चीनी का आपको याद है वो आया इशू आया तो कहने ने बोरी रख लो ओ बेवकूफ आदमी सबसे जो सस्ती चीज़ आपके ग्रोसरी में आती है वो चीनी है ठीक है चीनी के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं अच्छी बात है ना पिए और यकीन करें कि जब आप लेते हैं तो मेरे ख्याल में चार किलो पाँच किलो दस किलो चीनी आती है ठीक है जी दस किलो चीनी पचास रुपए के सदा कितने की हुई पाँच सौ की सत्तर रुपए की होगी तो कितने बढ़े दो सौ रुपये उन्हें पूरी बोरी ला कर रख ली और साथ पूरे महल्ले को परेशान किया हुआ रख लो मैं तन कहना प्या कैद पहन वाला है खुदा के वास्ते यार ऐसे लोगों से निकल जाओ जो ही वो करें उठ, उठ जाओ मुझे पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है तौर तो पे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर एंड लोअर क्लास फैमिलीज के अंदर के जहाँ पे यू नो आपके रिश्तेदार आपके हमसाये वो सर बातें ये करते हैं ख़ासतौर तो पर लड़कियों को बहुत सुनना पड़ता है तो जस्ट जू ही ऐसी बात उठ के चली जाए वहां से जो जस्ट डोंट ओवर देयर ओके नेविगेट नेविगेट द चेंज अब हमने navigate क्या होती है हाय हाय समंदर के अंदर याद आ गया जहां पे कुछ नजर ना आता हो देखें आप किसी को घर का रास्ता कैसे बताते हैं वहां जाओगे उधर से एक शॉप आएगी उस शॉप से लेफ्ट कर लेना आगे जाएंगे राइट साइड पे आपको एक बोर्ड नजर आएगा उस बोर्ड से आपने जो है ना राइट करना है इसलिए कि आपके पास वहां पे कोई ना कोई माइल हैं, कोई साइंस हैं बट जब आप ऊपर हैं वहां पे जहाज चला रहे हैं तो वहां पे क्या है और जब आप समंदर में हैं तो फिर भी कुछ नहीं है तो नेविगेशन क्या होती है जो आप अपने उसके कंपास से ढूंढते हैं और ये सिमट होती है रास्ता नहीं होता बात समझ आ रही है ये सिमट होती ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है ये तो आपको अगर ये करनी है तो पहले सबसे पहले ग्रोथ अभी शाजी ने क्या कहा? उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है मेरा कल आज से बेहतर है मेरे लास्ट वाले उसको याद रखिएगा टू बॉर्न मिड ऑकर इज नॉट ए क्राइम बट डू डाई एज ए मिड ऑकर इज ए क्राइम तो ये क्या है ये ग्रोथ माइंड नहीं है ग्रोथ माइंड सेट जजत अली ने कहा कि अगर तुम्हारा कल आज से बेहतर नहीं है तो तुम खसारे में हो तो यह आपको ग्रोथ माइंड सेट मेरा कल आज से बेहतर है यह आपको सोचना चाहिए दिस इज वट यू हैव टू रियलाइज पर्सनल रीजन वाई जब भी आप बदलना चाहते हैं पहला सवाल क्या है वाई लेकिन वाई आपके दिमाग में कब आएगा जब आपको अपने बारे में पता होगा याद रखिएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन अपना मराकबा करना आप अपने आप को जाने जिसमानी तौर पे, जेनी तौर पे, दिली और जज्बाती तौर पे और सबसे आखिर में क्या है स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे तो आपकी हर एक चार डायरेक्शन है आपको पता होना चाहिए कि मेरा जिसम जो है वो कितना बर्डन जो है बर्दाश्त कर सकता है आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिमाग में कितनी सालाहित हैं आपको पता होना चाहिए कि मैं जज्बाती तौर पे कितना मजबूत हूं इमोशनल इंटेलिजेंस और मैं स्पिरिचुअली जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हूं दिस इज व्हाट यू नीड टू हैव विलिंगनेस टू रिफ्लेक्ट ये वही आगे बात कि अपने आप को जानना क्रिएट अ क्लेरिटी वेर आई गो हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं हमें पता है नहीं होता कि हम कहां पर हम अगले जो वहां पे हमारा सेशन होगा उसमें हम अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट बनाएंगे तो अगर हम आज वहां तक पहुंच गए तो हम आज बनाएंगे कि मैंने जाना किधर और वो जो है वो ठीक है जी पर्सनल स्टेटमेंट बनाएंगे विजन स्टेटमेंट आपका करियर जो है वो बेस करता है कि आपने कहाँ पहुंचना है ये डॉक्टर अगर आप बनते हैं तो डॉक्टर अगर आप बनते हैं तो विजन क्या होना चाहिए फिर आपका पैसे कमाना आप राइट सर्व द्यूमैनिटी इज दन अब आप जब ये स्टेटमेंट बना लें तो फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं ठीक है जी आप चाहें तो आप फार्मासिस्ट बन जाएं, आप डी कर लें आप कुछ भी कर लें आगे आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या करना है अब आपकी जिंदगी का हर मोड आपको सिर्फ वही लेके जा रहा होगा जो आपका विजन स्टेटमेंट है आप ऐसे जाएंगे वो क्या डायरेक्शन है आप ऐसे गए फिर वापस आ गए आप ऐसे गए फिर वापस ऐसे करके अपने जिंदगी का कॉम्पास खोला आपने कहने यार मैंने तो नॉर्थ पे जाना है मैं नॉर्थ पे ही रहूँगा तो आपने किया कि डायरेक्शन ठीक किया जब आप नमाज पढ़ते हैं तो किबला रो होके पढ़ते हैं नहीं पता होता तो फिर आप क्या करते हैं कि आप फिर अपनी वो निकालते हैं मोबाइल में उसमें से वो कॉम्पास निकालते हैं और आप देखते हैं कि वो किस तरफ को है राइट सो दिस इज़ वट यू नीड टू डू फाइनली कल्टिवेट द स्टेंस फॉर चेंज ये जो अभी किसी ने कहा कि मैं अपनी वीकनेसेस के ऊपर मैंने काम किया है कमजोरियों पे काम किया है इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को बदलने के लिए आपको पता है आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया मैंने भी आपसे सवाल किया क्यों नहीं किया आप लोगों कि ने आपने रिफ्लेक्शन ही नहीं की आपने अपने आप को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया आपने अपने बारे में मराकबा ही नहीं किया आपने अपना शॉट ही नहीं किया strength weaknesses opportunities and threat आप में से वो लोग अगर कोई बेटर स्कूल्स में हैं तो वो जानते हैं कि स्वॉट हम करते हैं स्टक वीकनेस स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स यही नहीं मेरी एबिलिटीज क्या हैं मेरी लायबिलिटीज क्या हैं मेरे एंबिशंस क्या हैं मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं यू नो यू शुड हैव दैट अगर आपको यही पता नहीं है तो आपने क्या रिफ्लेक्ट किया अपने बारे में? कुछ भी नहीं किया आपने तो इसलिए कि अगर पता होगा तो फिर आप वहाँ तक पहुंचेंगे राइट जी सो दैट्स दी दो दो है हम खत्म हुए थे हम लास्ट में मुझे याद है हमने चेंज पैराडाइम की बात की थी और अब आप मैंने आपको दो जो है वो तरीके बता दिए कि कैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट को नर्चर कर सकते हैं नंबर वन और नंबर टू क्या है आप अपनी चेंज को नेविगेट कैसे कर सकते हैं यानी कि उसकी सेमत जो है वो आप कैसे जो है वो बना सकते दो चीजें अब हम आते हैं ये जो चेंज पैराडाइम था पैराडाइम क्या था सोच थी पैराडाइम क्या था परसेप्शन थी शाबाश बेटे। वेरी नाइस एक दरख्त है और नीचे उसकी जड़े दरख्त की मजबूती दरख्त की खूबसूरती दरख्त के अंदर फलों का आना किस पे बेस करता है रूट्स पे।, पे। और अनफॉर्चुनेटली जो रूट्स हैं हमारी वो हमारा करैक्टर है और याद रखिएगा करैक्टर एक चीज़ नहीं करैक्टर में आपकी जो है लॉयल्टी है इंटेग्रिटी है ट्रस्ट है क्रेडिबिलिटी है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है बहुत ही इसमें इनकी जो स्टेवन कवि की बुक है लीडरशिप एट द स्पीड ऑफ ट्रस्ट तो वहाँ पे उसने उसको बहुत इवन ट्रस्ट के आगे उसने को दस बारह एलिमेंट्स निकाले हुए तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को और अपने करैक्टर को अलाइन कर सकते हैं यह बहुत जरूरी क्यों जड़ें मजबूत होंगी तो पर्सनैलिटी मजबूत होगी वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको पता नहीं मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया कि पाकिस्तान के अंदर दस में से चार शादियां पहले एक साल में खत्म हो जाती हैं दिस इज द करंट रेट वो बिकॉज डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन दर्सनैलिटी लड़के का रंग कैसा है कद कितना है तनख्वाह कितनी है गाड़ी है कि नहीं है अपना घर है कहाँ रहता है कितने बहन भाई हैं ये सारी की सारी पर्सनालिटी है टेंजिबिलिटी है तो उसकी बेस के ऊपर शादी की गई छः महीने के बाद नंदर की कमीनगी बाहर निकली फिर मायूसी हुई और चूंकि आजकल के बच्चे बड़े क्लियर हैं डिसीजन में वो कहते हैं ऐसी नसूर नहीं पालना वट दौ जस्ट हैव एन ऑपरेशन कट एट इससे पहले कि जहर पूरे जिसम में फैल जाए काट दो इसको सो so, इसलिए दी रेट हैज इनक्रीज अनफॉर्चुनेटली करेक्टर को नहीं देखता और याद रखिएगा करेक्टर किसी का अगर देखना हो तो खानदान को देखो हमारे जमाने में जब रिश्ता होता था तो एक ही सवाल होता था खानदान कौन सा है वो जी मिर्जा साहब हैं वो जी चौधरी साहब हैं ओहो बड़ा अच्छा खानदान ब्याह कर दो नो सेकंड क्वेश्चन मुंडा की कर है की नहीं वी डोंट केयर अबाउट इट इसलिए कि अगर करैक्टर मजबूत हो हर चीज ठीक हो जाती है एक कॉम्पिटेंस होती है एक करैक्टर होता है कॉम्पिटेंस डेवलप की जा सकती है नॉलेज स्किल्स वो आप कर लेंगे बट करैक्टर जो बनता है फिर मुश्किल से ठीक होता है और आज हम जो ये जो सेवन हैबिट्स हैं ये बेसिकली अलाइनमेंट है आपकी पर्सनैलिटी और करैक्टर की तो आज हम दोनों को देखेंगे कि एथिक्स जो है वो करैक्टर एथिक्स क्या है जो इसको मजबूत करते हैं जड़ों को जिसके वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मजबूत होती एथिक्स तो वैसे इखलाक है लेकिन यहाँ पर हम के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे <coughs> तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इस पर होगा अब हम सेवन हैबिट्स को डिवाइड करते हैं कि जो जो हम पढ़ते जाएंगे तो हमारी जो मेच्योरिटी लेवल है या हमारा जो करैक्टर एथिक्स है वो कहाँ जाएंगे इसीलिए उसने इसको डिवाइड किया अभी हम एक लो मेच्योरिटी पे हैं जब आप लो हो, मेच्योरिटी होते हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं रास्ता तलाश करने के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है आपने उनसे मशवरे लेने हैं गाइडलाइंस लेनी है डायरेक्शंस लेनी है इसलिए कि आप अपने आप को भी नहीं जानते फिर जिस वक्त आप ये तीन हैबिट्स सीख लेते हैं बी प्रोएक्टिव बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ये होती है टाइम मैनेजमेंट आपने यूज किया प्रोक्रेस्टिनेशन का आज का काम कल पे छोड़ दो जब आप तीन हैबिट्स को बना अपना लेते हैं तो फिर आपका मेच्योरिटी लेवल वहां जाता है जहां इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फिर आपकी अगली तीन हैबिट्स आती हैं वो क्या करती हैं वो आपकी विक्ट्री नहीं है प्राइवेट वो पब्लिक यानी कि लोगों को आप कैसे जीत सकते हैं या लोगों के साथ आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कौन कौन सी है थिंक विन वेन हम इस पर बात करेंगे तुम्हारा भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा जितने भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ विन विन पे बेस करते हैं इसके दो और पर्सपेक्टिव हैं एक विन लूज है एक लूज विन है विन लूज मीन वेरी अग्रेसिव लूज वेन मीन वेरी पैसिव और बीच में जो हम इसको विन विन कहते हैं इसको असर्टिव कहते हैं हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको असर्टिवनेस क्या होती है आजकल बड़ा ही कॉमनली यूज जार्गेंस या वर्ड है जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है क्या है असर्टिवनेस ठीक है हम इस पर डिस्कस करेंगे आई शुड नो यू बिफोर यू नो मी ठीक है अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे जाने तो मुझे पहले आपको जानना चाहिए एंड दैश फॉर दसर्टिवनेस जब आप ये कर लेंगे यू विल बिकम इंडिपेंडेंट And that will take us to the higher maturity. लेकिन आपने सेवन हैबिट्स अगर देखी हो वो पूरे का पूरा दायरा है वो कहता है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सेवन हैबिट्स है शार्पनिंग का सा आप छ की छह हैबिट्स कर रहे हो लेकिन आप अपनी आरी तेज नहीं कर रहे इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे और शार्पनिंग का सा क्या है अभी मैंने आपसे कहा सबसे पहले जिसम है फिर दिमाग है फिर दिल है फिर आपकी स्पिरिट है इन चारों पे आपको काम अगर करना है आपको वर्कआउट करना है आपको किताबें पढ़नी हैं ताकि और और इलम सीखना है ताकि आपका दिमाग आईक्यू तेज़ हो आपको अच्छे काम करने हैं ताकि आपका ईक्यू जो है वो अच्छा हो आपको नमाज पढ़नी है आपको खैरात करनी है आपको रोज़े रखने हैं ताकि आपका एसक्यू मजबूत हो स्पिरिचुअल कोश्चन हम तो बहुत ही हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने मजहब दिया जो गोरे हैं ना वो क्या करते हैं मेडिटेशन करते हैं उनके पास तो है ही नहीं बेचारों मेडिटेट करते हैं सुबह सुबह उठ के जो है ना वो बैठे होंगे और वो यू नो दे मेडिटेट इसलिए कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग करेंगे अपने आप को गुरु के पास जाते हैं बहुत से इंडियंस उनके पास जाके तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो जनाब ये आपको याद रखना है विच इज मेचोरिटी कॉन्टिन्यू ये बिल्कुल एक बच्चे की जिंदगी है जब बच्चा पैदा होता है ना वो कुछ नहीं कर पाता उसको जो है डैपी बदलने के लिए भी मां की जरूरत है खाने के लिए भी मां की जरूरत है अगर पेट में दर्द होती है तो पेट मलने के लिए भी अपनी मां की जरूरत है डिपेंडेंट है थोड़ा बड़ा होता है, है मिच्योर हो रहा है आप देखें चूंकि मिच्योर क्या हो रहा है सीख रहा है लर्निंग कर रहा है और चूंकि स्लेट साफ है तो बदल भी रहा है तो फिर वो क्या करता है वो पॉटी भी खुद ही कर लेता है चीज उठा के खा भी लेता है ठीक है और इस तरह से वो थोड़ा सा जो है इंडिपेंडेंट होता है फिर वह बड़े हुए शादी हो गई अब आप इंटरडिपेंडेंट हैं घर का काम बीवी कर रही है आप जाके नौकरी कर रहे हैं तो आप क्या हुआ आप इंटरडिपेंडेंट हैं एक शख्स जिसके घर में सुकून नहीं है वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता इसका मतलब है कि आपकी वाइफ अगर अच्छी है अच्छा परफॉर्म करती है तो आप भी परफॉर्म कर रहे हो वो कहते हैं ना हर शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है

कि जहां पे आपके ऊपर मेच्योरिटी लेवल हो गया अच्छा फिर बच्चे हो जाते हैं अब क्या हुआ कि आप बच्चे अच्छा जाओ यार उस फलाह बंदे को बुला लो फला आपका काम और आसान हो गया अब क्या आप खानदान इंटरडिपेंडेंट है बच्चे का एक रोल है बीवी का एक रोल है और बाप का एक रोल है आप सारे इंटरडिपेंडेंट हैं आप किसी नौक, नौकरी पे जाते हैं नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है आप डिपेंडेंट होते हैं आपको पता ही कुछ नहीं है छुट्टी कैसे लेनी है किस वक्त छुट्टी होगी किसके पास जाके कौन सी अप्रूवल लेनी है फिर थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी लेवल लोग सीखते हैं इसके अंदर मेच्योरिटी लेवल किससे आएगा सीखने से आएगा आप सीखते हैं अच्छा ये होता है ये होता है छ माह के बाद जो है आप क्या होते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फिर आप मैनेजर बन गए जब मैनेजर बने आप क्या हुआ आप इंटरडिपेंडेंट हो गए आप तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अगर आपकी टीम परफॉर्म करेगी तो आप परफॉर्म करेंगे अब आप क्या हुए इंटरडिपेंडेंट होंगे तो जनाब ये हमारी आइंदा जो आप गाइडलाइंस हैं जिस पे हम जलेंगे और हम इस पे बात करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसला क्या है हम क्यों नहीं बदले हमने क्यों कोशिश नहीं की चेंज करने की क्योंकि हमने इस फार्मूले पे अमल नहीं किया पैराडाइम क्या है कि मैं क्या देखता हूं हमने कहा दैट्स माई परसेप्शन क्या मैं करूंगा दैट्स माई बिहेवियर और उसका रिजल्ट क्या आएगा वट आई एम गोइंग टू गेट इट्स एन अमेजिंग काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल सी डू एंड गेट आप यहां पे सीखते भी हैं देखते भी हैं राइट right? आप क्या किया आपने देखा आपने सीखा आपने क्या नहीं किया आपने उसको एक्शन ही नहीं लिया यू हैव नॉट डन इट बिकॉज यू हैव नॉट डन इट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गट एन रिजल्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन रिजल्ट तो होगा ये कि इस तरह के पंद्रह बीस और भी तुम कोर्स कर लेना फिर भी तुम वैसे ही रहोगे आई एम सॉरी मैं निगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ फिर भी वैसे ही रहोगे इसलिए कि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे और चूंकि इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रोफेशनल नहीं बनोगे इसलिए कि मेचोर रहोगे प्रैक्टिस करोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी ना किसी भी काम के अंदर एक दफा करने से कोई आदमी सीख नहीं जाता बार बार काम करना पड़ता है मैंने आपसे कहा था कि जो एथिक्स हैं हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे प्रिंसिपल क्या होते हैं असूल जिंदगी के और हर शख्स के असूल जो है वो डेफिनेटली करेक्टर पे बेस करते हैं किसी के लिए पचास सौ रुपए की रिश्वत रिश्वत नहीं है किसी के लिए जो है पाँच हज़ार की रिश्वत जो है वो रिश्वत है ये क्या है ये प्रिंसिपल है, तो यार कोई है क्या पैसे हैं यार ले लिए कोई कहता नहीं एक पैसे की रिश्वत भी जो है वो रिश्वत है तो ये क्या है ये प्रिंसिपल्स का फर्क है तो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं यूनिवर्सल हैं ये नहीं हो सकता कि यहां पे जो चोरी की डेफिनेशन है वो दुनिया में डेफिनेशन ना हो ये नहीं हो सकता पॉसिबल इंसानियत के जितने भी असूल हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे मसल मतलब मैं अक्सर कहता हूं मजाहिब के अंदर दो तीन चीजें बड़ी कॉमन मिलती हैं नंबर वन देर इज ए सुपर पावर अल्लाह गॉड ईश्वर देर इज अपर पावर ये हर मजहब कहता है नंबर वन हर मजहब इंसानियत सिखाता है हर मजहब प्यार सिखाता है वो कोई भी हो वो सेक्म है वो बोल तरीके डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है स्पिरिट एक ही है रिचुअल्स मुख्तलिफ है टाइमलेस है खत्म नहीं हुए आज से सौ साल पहले भी जो प्रिंसिपल था वो आज भी प्रिंसिपल है ऐसे ही है जी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे कोई ना कोई जो है वो मंजिल है इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों को गवर्न करे प्रिंसिपल्स को हमारे बिहेवियर को डायरेक्शंस दे एट वर्क वेदर और नॉट वी अंडरस्टैंड और वैल्यू हम उसका उस पर अमल करें या ना करें लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यह असूल है सच्चाई एक असूल है राइट एवरीबडी एप्रीशिएट दैट अनफॉर्चुनेटली सबसे बेहतरीन असूल जो हैं या प्रिंसिपल हैं वो इस्लाम में है लेकिन हम सिर्फ मुसलमान हैं वो इलामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूं तो मैं इस्लाम देखता हूं जब वापस आता हूं तो मुसलमान देखता हूं जो अच्छे काम हैं वो उन्होंने किए ये जो फलाही रियासत का कंसेप्ट है सोशल वेलफेयर का ये कहाँ से आए ये इस्लाम से आए ज़क़़ और उशर से पूरी की पूरी इस्लामिक जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो चली हैं किससे ज़क़ात से और उशर से और आज हम जाके तो कोशिश करते हैं कि आईएमएफ के कुछ प्रिंसिपल्स लाएं और उसको अप्लाई करें ये क्या है सिचुएशनल नहीं होते यानी कि मौाक के हिसाब से नहीं होंगे टेम्प्रेरी नहीं होंगे सब्जेक्टिव इंटरनल नहीं होंगे डिपेंडेंट ऑन वेदर वी वैल्यू कि नहीं किसी पे मैं अपना एक प्रिंसिपल अप्लाई कर दूं कहीं पे मैं दूसरा कर दूं कहीं मैं झूठ बोलूं तो मैं कहें यहाँ मैं बोल सकता हूँ दूसरी जगह पे मैं जो है वो झूठ ना बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब उसका मौका मिले मैं उसका इस्तेमाल करूँ तो हमारी चूँकि सेवन हैबिट्स जो हैं दे विल बी गवर्न बाय सम प्रिंसिपल्स हम उन प्रिंसिपल्स को लर्न करेंगे और हम उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही जाएंगे फाइनल लर्निंग और आपको याद होनी चाहिए सबसे पहली बात जो है जो सीखने वाली है वो ये है कि हैबिट्स हमें जो है इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाती है हमें पर्सनल इफेक्टिवनेस देती हैं और हमें एक पब्लिक विक्ट्री देती हैं या पब्लिक इफेक्टिवनेस देती हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एक हैबिट है वो है जो कि सेवन हैबिट है शार्पनिंग दस्सा अगर वो करते रहेंगे तो बाकी छह हैबिट्स भी करते रहेंगे राइट right? उसके बाद क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस क्या होती है कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो एक मकसद के तहत गुजार रहे हैं और कंसिस्टेंटली उसको हासिल करने के लिए जो है मुस्तकिल हम लोग अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं पैराडाइम सी व्हाट आर अलाइन्ड विद प्रिंसिपल्स जो हम देखते हैं वो नेचुरली हमारी जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उससे अलाइन होती हैं अगर वो अलाइन्ड नहीं है यूनिवर्सल प्रिंसिपल से तो हमें करनी चाहिए पैराडाइम हमारी परसेप्शन परसेप्शन क्या थी पैराडाइम क्या थी जिस तरह से हम देखना चाहते हैं ऐसा नहीं कि जैसी वो चीज है और फाइनली बिहेवियर डेट रिजल्ट्स सो पैराडाइम अलाइन होंगे प्रिंसिपल से उसके हिसाब से हम काम करेंगे एक्शन करेंगे और फिर हमें रिजल्ट मिलेंगे सिंपल तो आज तक की सिंपलेस्ट लर्निंग इज वी सी वी डू एंड वी गेट अगर ये तीन चीजें आपके समझ आ गई तो आपको सारी हैबिट्स जो हैं वो समझ आ जाएंगी। और हम हर हैबिट में इसको अप्लाई करके देखेंगे कि उस हैबिट से हमने क्या देखा क्या करेंगे और हमें क्या हासिल होगा ये देख सकते होंगे आप ये बतख है जो सोने का अंडा देती और आपको याद है वो उस खानी में वो इसको जिबा कर लेता है कि सारे अंडे निकाल लें अंडे सोने के देना इज दी पीसी दिस इज परफॉर्मर परफॉर्मर कैपेबिलिटी लेकिन हम क्या करते हैं हम हमेशा फोकस क्या करते हैं यहां पे अगर आप इस कैपेबिलिटी को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट बढ़ जाएंगे राइट सो व्हाट वी आर फोकसिंग वी आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इनहेंसिंग आर अपनी कैपेबिलिटीज या कॉम्पिटेंस उसको हम बढ़ाते नहीं सेवन हैबिट्स आर ऑल दैट वो कहती है कि परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाएगी रिजल्ट मिल जाएंगे लेकिन ये पहले इस पे काम करो यू नीड टू वर्क ऑन टू इट दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू और वो ये है कि जो काम भी आप कर रहे हैं ठीक है उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कौन से रिसोर्सेज से रिलेट करती है याद रखें ये रिसोर्सेज पैसा नहीं है इस वक्त तो हम देख रहे हैं अपने जहन है फजीक है इमोशंस हैं स्पिरिचुअलिटी है, है इसमें किस पे हम कर रहे हैं हो सकता है कि इनके अलावा आपके पास कोई ऐसी चीज हो किसी के पास ना हो आई जस्ट वॉन्ट एन ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स टू डू इट एंड राइट इट डाउन आप बात समझेंगे जो काम भी आप कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं आप इंटर्नशिप कर रहे हैं आप कारोबार कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं उस सूरत में आपकी जो परफॉर्मेंस है क्या आपको पता है कि वो परफॉर्मेंस का रिजल्ट जो है किस कैपेबिलिटी पे या कॉम्पिटेंस पे बेस कर रहे हैं बात समझ आई ग्रेट शाबाश इसका मतलब यह है कि जू जो आप अपनी पैंक्चुअलिटी पे काम करेंगी जो yes, जो आप अपने लिसनिंग पे काम करेंगी योर परफॉर्मर्स विल गेट बेटर बात समझ आ रही है आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड कि उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए जो मेरी कैपेबिलिटी है या मेरी कॉम्पिटेंस है राइट right, वो उस पर मैं काम करूंगा तो मेरे रिजल्ट बेहतर होंगे ना मैं दुआएं मांगता रहूं जैसे अक्सर आपके पास बहुत सारी वो आजकल पोस्ट आती हैं इसको एक लाख बंदों को भेज दो इसको सुबह हार मुंह पढ़ लो जो है पैसे खत्म ही नहीं होंगे डू यू थिंक बाय डूइंग सो नो वो कहते हैं कि गॉड अल्लाह ने अल्लाह हैज प्रोमिस्ड द बर्ड्स टू प्रोवाइड द फूड बट दे हैव टू फ्लाई टू गेट इट बात समझ आ रही है यू हैव टू फ्लाई टू गेट इट वादा तो अल्लाह ने किया हुआ इस तरह से हमारा हम कहते हैं दुआ मांग ले ये काम हो जाएगा ऐसे नहीं होता यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू एक्ट ऑन टू इट तो जनाब दिस इज इंपॉर्टेंट और मैंने सिर्फ इसलिए यह सवाल किया कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे हैं तो उसकी वजह क्या है उस परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस की रीजन क्या है right? राइट अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर भी क्या वजह है सो दैट आई शुड वर्क ऑन टू इट हमारा क्या प्रॉब्लम है हमारा फोकस है रिजल्ट के ऊपर जब नहीं आते देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू गेट दो रिजल्ट एज वेल